टोला है वहीं पे, और कुछ ग्रामीण जनता मौजूद है। इस टोला की जो स्थिति है, जो रोड की स्थिति आपको कैमरा में हम अभी दिखाएंगे वीडियो में, और आइए चाचा लोग से जानते हैं, बाबा लोग से कितना विकास हुआ इस पंचायत में और इस टोला में खासकर, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, लोगों के पास मुद्दा है वोट करने का, यही जो विकास नहीं हुआ है। तो क्या नाम है आपका? रामा यादव। वो पंचायत में 5 साल में जो विकास भइल ओकरा से खुश बनी ना? लागत का लागत है कि बदलाव होई 8 तारीख के? परिवर्तन बोला कि परिवर्तन हुई है, बोले सब लोग हैं, सब लोग मूड में है, तो परिवर्तन के मूड में वो बानी सही बात चल रही है। नेशनल चैनल है, पूरे इंडिया में चली है, बढ़िया से बोले। बहुत लोग बात चुनाव में, तो केकरा के जिताबे के बा? हम लोग सभी लोग यही है कि मोतीलाल यादव, हेमंत देवी यादव से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? हमारे जो यहाँ के रिकॉर्ड है ना, सही जा रहा है, यानी चुनाव में यही आगे हैं। तो क्या अपील करते हैं जनता से, क्या कहना चाहते हैं आप? जनता यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर हमको, मतलब सब लोग सपोर्ट करें, बिखरे नहीं, टूटे नहीं, एक साथ रह कर सपोर्ट करें। आपका क्या नाम है बाबा? मकुल यादव। कहाँ घर पड़ता है आपका? दरोगा आता सूरतपुर। तो चाचा, जो आपके मोहल्ला की जो रोड की स्थिति है, बहुत जर्जर स्थिति है, तो क्या इसके लिए आप लोग कंप्लेन नहीं किए हैं 5 साल तक? किया है। तो क्या हुआ, काम कहाँ है? कुछ नहीं हुआ। सरकार तो बहुत योजना चला रही है, गली नली, पक्कीकरण, सोखता, जल नल, तो क्या उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तक आंगनबाड़ी तक इसी तरह रह गया। तो चाचा, जो लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार माना जाए? हम इसको बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव कीजिएगा। 8 तारीख को जो आप लोग वोट डालिएगा बदलाव के मुद्दा पे, बदलाव के मुद्दा, तो बदलाव करना है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा कौन दिख रहा है आपको? मोतीलाल यादव। मोतीलाल यादव, यादव से और भी बहुत सारे चेहरे हैं चुनाव में, तो उन लोगों को क्यों नहीं आप चुन रहे, इनको क्यों चुन रहे? काम के आदमी नहीं रहे हैं, वोट काट रहे हैं। तो जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता से यही चाहते हैं कि सरपंच मिल करके वोट करे और मोतीलाल यादव को विजयी बनाए, वोट बर्बाद ना करे, ना करे, जिया ना करे। आपका क्या नाम है चाचा? सहदेव यादव। सहदेव यादव, इसी मोहल्ला में घर है आपका? जी हाँ। तो जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, पानी कहीं भी जमा हो जा रहा है, बहुत सारे दिक्कत का सामना आप लोग करना पड़ रहा है, तो ये रोड का निर्माण क्यों नहीं करवाएं आप लोग? कोई कहता है जी मुखिया जी पैसा मांग रहे हैं, हम साइन करेंगे तब हम आपको देंगे। कोई कहता है कि ठीक है आपकी नहीं, हमको जिताइए हम कर देंगे। तो जीतने के बाद सब कोई कहता है जी हम कर देंगे, उसके बाद पैसा सब भजा लेते हैं, सरकार से लेके चल देते हैं। तो चाचा, अब तो आप लोग का समय आया है ना हिसाब करने का, तो 8 तारीख को हिसाब होगा? हाँ, 8 तारीख के निश्चय हिसाब होगा। तो हिसाब होगा तो बदलाव भी होगा? बदलाव भी होगा। अब बदलाव होगा तो नया कैंडिडेट भी आएंगे? नया कैंडिडेट सब कुछ भी आएंगे। तो नया कैंडिडेट में कौन सबसे बड़ा चेहरा आपको दिख रहा है? हमको सबसे बड़ा चेहरा ये दिख रहा है कि एक सुशील आदमी, पढ़े लिखे हुए और शिक्षित आदमी है, और कोई उनके पास कोई नशाबंदी भी चीज नहीं है, उनके बाल बच्चे के अंदर भी कुछ नहीं है, इसलिए वो सुशील लग रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब भाई और बंधुओं से मिलकर उनको मुखिया पंचायत से क्षत्रिय रूप से जिताएंगे। किन को? मोतीलाल यादव को। मोतीलाल यादव को। ये छठ घाट है आप लोग का मोहल्ला का, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसका जर्जर स्थिति है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि कोई व्यवस्था अच्छा से नहीं हुआ है। इधर लाइट वाइट लगना चाहिए, लाइट वाइट एक कोना पर चाहिए हमको। इसके लिए कहीं किसी से बात किए हैं आप लोग? बात किए हैं, जो जीता है वो आता ही नहीं है, जो जीता है चुनाव में वो कभी आया ही नहीं है। तो क्या बदलाव के मूड में है आप लोग? हमने के एकदम बदलाव के मूड में मानी सोन, ठीक बा भाई, लेकिन है जीतिए का हमने के चाहिए। कौन यहाँ पे काम करा सकते हैं, किसको, किस पे विश्वास है आप कोई करा सकते हैं? हमने केहू विश्वास नहीं है। हम लोग अभी अपना जो नेता बना रहे हैं मोतीलाल यादव, हम लोग को पूरा जनता, पूरा पंचायत को विश्वास है कि हमारा बुजुर्ग है, हमारे लिए कुछ करेंगे। जो ये आप घाट देख रहे हैं ना, घाट हम अपना मुखिया को, सरपंच को, विधायक को गलती नहीं देंगे, हम किसी को गलती नहीं देंगे। सबसे पहले देखिए हमारे गांव के जनता को देखिए, उसी पर आके एक दिन मत्था पटकती है, उसी पर आके आज भैंस बांध देखिए ना, ये बोर्ड हमारा मुखिया लाइट लगवा देगा, प्लास्टर करा देगा, फिर भी कहीं भैंस बांध देगा हमें। ठीक है, आपके गाँव का इंटरनली मामला है, इसको आप लोग सुलझा सकते हैं। ठीक है, पहले बात सुनिए, ये जो आप न्यूज बना रहे हैं, ये न्यूज आप कहाँ तक डालिएगा उसका मतलब नहीं है। हमारे गांव में यहाँ से वहाँ तक कोई जो सत प्रकाश जी जीते थे वो हमारे को आज तक कुछ किए नहीं। हमारे घर एक बनवाए हैं, देखिए सामने जो पड़ा है उसमें भी हम लोग से 30-30 हज़ार रुपया लिया है, वो 30-30 हज़ार रुपया लिया है।
फिर भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, पानी अंदर जा रहा है, उसमें कुछ हुआ है। अब तो आप लोग का समय है ना 8 तारीख को, आप लोग का हिसाब करने का समय है, हिसाब करेंगे।